हेलो चेक 1 2 4 1 2 4 1 2 4 थ्री की तरफ कौन है, किससे बात कर रहे हो? ये प्रोफेशनल तरीके से एजेंट एजेंट हो गया। एमसी एजेंट होता है, मैं चूतिया बनाता हूँ। ओसामा अल्लादी उग्रवादी, हाँ तो उसको भी पकड़वाया उसमें मेरे। अबे साले ओवर एंड गेट आउट। रोहित तनवर रिपोर्टिंग सर। अबे साले हाँ एक सही अटेंशन। हाँ अटेंशन, मैं रोहित तनवर रिपोर्टिंग सर। नहीं नहीं सर, काम बस होने वाला है, मैं यहाँ से ज्यादा दिन तो नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि ना ये झेल नहीं पा रहा मैं इस लड़की को ना बिल्कुल भी। तो बस मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से जल्दी मेरा काम खत्म हो। एक सेकेंड। रोटी बना दो। दो रोटी खाओगे बस आज? सर मैं आपसे बात, एक सेकंड सर, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अभी ना वो छपरी नंबर 1 आ गया, ठीक है? कौन छपरी नंबर 1 है? मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं रोटी ला दे, तुम्हें कुछ काम कर रहा था। हाँ ठीक है, क्या काम कर रहे हो तुम? कैसे अजीब से हो गए हो? ये क्या है, किससे बात कर रहे हो? बेबी हुआ है, क्या नाम है? हाँ हाँ सर, हाँ सर ठीक है। कौन से सर आ गए तुम्हारे एकदम से? हाँ सर सीक्रेट कोड बताता हूँ एक। इसे के लाल लादी माता चोद। हाँ यही तो, आप यही हो ना सीक्रेट कोड वाले? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं सर, बस हो जाएगा, आप जैसे आप चाह रहे हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अभी 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ। अबे साले आप फोन के पास ही रहना, ठीक है? दूर मत चले जाना फोन के, क्योंकि फिर मैं फोन नहीं कर पाऊंगा। ओके सर, ओवर एंड गेट आउट। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कौन है, किससे बात कर रहे हो? ये प्रोफेशनल तरीके से एजेंट एजेंट हो गया कहीं? oh, no. भी एजेंट नहीं हूँ मैं, हूँ एमसीबी एजेंट। एमसीबी? आईएसआई आईएससी ये सब तो सुना था, ये एमसीबी क्या होता है? कोई पता नहीं वाला था यार। क्या एमसी एजेंट होता है, मैं चूतिया बनाता हूँ। फिलहाल तो भी तेरा ही बना रहा हूँ। मेरा काम है यार ये, मैं तेरे को बता नहीं पाया क्योंकि प्रोफेशनल लेवल इतना मेरा हाई लेवल हो चुका था कि इतना तेरा हाई बीपी नहीं होता, इतना मेरा हाई लेवल प्रोफेशनल काम है। मैं हूँ सीक्रेट एजेंट, ठीक है? और मेरे को सैलरी मिलती 375,600,665 रुपए। असंभव 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 साला। क्या विश्वास कर रहे हो? मैं भी यार समझ में नहीं आ रहा यार, क्या बोले जा रहे हो? मैं भी डील चल रही है यहाँ पे बहुत, यहाँ पे ना लोग मतलब मर रहे हैं। मर रहे? हाँ एक लड़की को देख के दो लड़के ऊपर छत पे खड़े हुए थे, वो बिल्डिंग से कूद के मर गए। मर रहे हैं यहाँ पे लोग यार। तो इसमें मतलब हमारा क्या सीक्रेट? क्या तुम यार मेरे हस्बैंड हो ना, मतलब क्या? मैंने ना हाँ हाँ सर एक सेकंड। हेलो चेक 1 2 4 1 2 4 1 2 4 थ्री की तरफ। हाँ ठीक है थ्री आएगा, थ्री 1 2 3 1 2 3। ओके बस मैं अपने मिशन पे ही हूँ, मिशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तुम्हारी माँ बहन करता हूँ आके। ओके सर, सीक्रेट कोड है ना ये माँ बहन? ओके सर। क्या सीक्रेट? ओवर एंड गेट आउट। वो बाहर नहीं निकल रहे ना दुश्मन, तो ओवर एंड गेट आउट। तो वो तो मैंने ना तुझे पता है वो नहीं है, ओसामा अल्लादी उग्रवादी, हाँ तो उसको भी पकड़वाया, उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है, पता है आपको? इतना बड़ा हाथ है आपका, तुमने कैसे पकड़वा दिया उसको? तो मोटी बात छोटी सी है, जब वहां पे उसको घेराबंदी कर रहे थे oh, no. तो क्या हुआ, मैं अंदर चला गया क्योंकि मुझे सुसु लग रहा था, तो मैंने ना देखा वहां पे अल्लादीन लेटा हुआ था, वो समा अल्लादीन। मैंने जाके ऐसे जाके पास उसके, फिर मैनेजर से देखा तो कह रहा भैया मेरी कमर में दर्द है, आप मुझे उठा दोगे? ऐसे हाथ पकड़ के मैंने उसको पकड़ के उसको सीधा उठा के मैं बाहर ही ले गया। सबसे बड़ा हाथ वो भी मैंने पकड़वाया है, इतना टैलेंटेड हूँ मैं। और मैं चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे ना बता रहे कि यहाँ पे कहीं बॉम्ब वॉम्ब रख दिया है आस पड़ोस में। मैं पिछले 200 साल से तेरे साथ रह रहा हूँ, सॉरी पिछले 2 साल से तेरे साथ रह रहा हूँ, मैं सीक्रेट एजेंट हूँ। तुम सीक्रेट एजेंट हो यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, बकवास क्यों करे जा रहे हो? हाँ
पागल मत बनाओ यार, बैठो यहाँ पे, तुम कुछ नहीं हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, बैठो। देखो मैं अपने काम पे हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, मैं बहुत दिन से तेरे साथ रह रहा था। कहाँ दीवार में घुस होगी क्या जाके? नहीं, दीवार में भी आर पार हो जाता, मेरे पास एक कुआ है, मैग्नेटिक शील्ड। ठीक है, इधर बैठो मेरे पास आके, इधर बैठो। बॉडीगार्ड नहीं, मैं सीक्रेट एजेंट, मुझे ना तेरी सुपारी मिल सकती है, कभी कोई बोल दे मुझे तेरी सुपारी। तुम मेरे को मारोगे? सुपारी मिली तेरी मुझे, मेरे को मारोगे तुम? तेरी सुपारी मिली तो सुपारी मारने की तो मिलती है। नहीं नहीं, वो मैं झाड़ू लगा रहा था ना नीचे, तो तू सुपारी खाती हो, मिली थी। तेरी सुपारी में बहुत बेकार लगी मुझे यार। उस सुपारी में ना तो वो था, क्या नाम है, ना तो सौंफ था, ना उसमें परी थी। मुझे अपने सर से बात करने दे। हेलो, हाँ हाँ सर। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, बस हो गया हो गया, बस काम होते ही मैं निकलता हूँ यहाँ से। बायोमेट्रो? बायोमेट्रो कहाँ से? कजाकिस्तान पहुंच जाऊंगा मैं, बायोमेट्रो तो नहीं आ सकता मैं। ठीक है, मैं बाइक से आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गेट आउट, फिर गेट आउट, अगर ये फिर सीक्रेट एजेंट लोगों की बेइज्जती करते हो। एजेंट हूँ, एजेंट नहीं हूँ, एजेंट हो, एजेंट तो हो ना, क्यों बकवास कर रहे हो इतना? रॉबर्ट तुम जैसे बैठे हो, मैं ऐसे रहता हूं। मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। तुझे पता है किसके लिए काम करता हूँ? किसके लिए काम करते हो? उसके लिए काम करता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ। किसके लिए? बड़ी उसके लिए, मतलब उस अग्निहोत्री सर, उसका नाम है उस अग्निहोत्री सर, उसके लिए काम करता हूँ। हमें ना यहाँ पे बताया है कि आस पड़ोस में ना लोग बम रखते हैं। पिछले एक साल पहले मैंने देखा था, मैंने ना उस टाइम भी यार तेरे को बताना चाहा सीक्रेट तरीके से, पर तू समझ नहीं आई। तेरे को बताई मैंने सीक्रेट के लिए, तू कह रही थी हाँ ले आओ सीक्रेट पी लूंगी। पिछले साल बाहर निकला था मैं, यहाँ पे सब बम रखते हैं, सब बुलेट बम चला रहे थे, और क्या नाम है, मुर्गा छाप सारे चला रहे थे। अरे वो दिवाली, अच्छा वो दिवाली फेस्टिवल होता है बेवकूफ। अच्छा दिवाली में देखती क्या मैंने? हाँ सर, हाँ हाँ सर, हेलो सर, यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रही मुझे कि दिवाली मना रहे हैं कि बम रख रहे हैं। आपने तो बोला था कि यहाँ पे वो बर्बादी रहते हैं, मतलब तेरी। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आप पूरी इंफॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद मेरे को कॉल कीजिए। अबे साले, ठीक है सर, ओवर एंड गेट आउट। कौन सा सर है मेरी बात कराने? ये उस सर है, उस अजीब से। तुम्हें खाना खाना है नहीं खाना है? मेरे को खाना ला दे, ठीक है। खाने में दो रोटी और दो खीरे, ठीक है, और खीरे में ना चिप लगी हुई है मेरी। चिप? वो खीरे में चिप लगी हुई है, उसमें क्या है, मैं खीरा डाल के ना अंदर की आवाज निकलवाता हूँ लोगों से। हाँ खीरा मुंह में डालता हूँ ना, क्या उनकी तो वो बोलते हैं कुछ भी, तो मेरे यहाँ पे सुनाई देती है मुझे, समझ रही, और मुझे आवाजें आती है यहाँ पे कान में। मैं तुझे तो यार फक्र होना चाहिए मेरे ऊपर, है फक्र ही तो है मुझे तुम्हारे, है फक्र है ना, फक्र है, फक्र है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ यार, इतना बड़ा काम शायद किसी ने नहीं किया होगा। तुम ना पता है कितना बड़ा काम कर रहे हो, मेरे मुंह से ना गंदी गंदी चीजें निकलेंगी। तू यार समझ नहीं पा रही हूँ, तू यहाँ पे ना लोग, और सुन नई चीज मैं तुझे बताऊँ, अभी 7-8 महीने पहले मुझे दो बंदों पे शक हुआ था। पता नहीं, मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ था, मुझे मेरे जैसा बंदा दिखा, मुझे उस पे शक, यहाँ पे यार वो तो फिर मुझे बाद में पता चला मैं था क्या। तो ऑब्वियस शीशे के सामने तुम खड़े रहोगे तो तुम ही होगे ना, कोई और तो होगा नहीं। तुम्हारे दिमाग में तो नहीं प्रॉब्लम हो गई है, चिप तुम्हारे दिमाग में तो नहीं लगवाई यार, ऑपरेशन वगैरह करवा ले। केयरफुली आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, टेल मी क्लियर, वही बात सुन,
तो 6-7 महीने पहले मुझे 2-3 बंदों पे शक हुआ था, ठीक है। वो सारे उसे पता क्या हुआ, सब रंग लगा लगा के घूमने लगे कि ताकि ये फेस ना पहचान पाए। मैं बाहर निकला, मैंने कहा इनमें से अभी 2 बंदे देखे थे, इन पे शक हुआ तो रंग लगा लगा के घूम रहे थे, कभी देख ना ले कौन है बंदा। मैं सब समझता हूँ। बेवकूफ, होली हमारे में फेस्टिवल होता है, लगाती है एक दूसरे को, पिचकारी मारती है, गुब्बारों से पानी से खेलते हैं, कलर्स लगाते हैं, पिचकारी फेंक फेंक के मार रहे थे एक दूसरे को। हाँ तो पिचकारी में पानी भर अच्छा, के पानी मारते हैं ना। मुझे लगा पिचकारी फेंक के मार रहे थे, वो गुब्बारों में भर भर के पानी डालते हैं एक दूसरे को मारते हैं। और मेरा फाइनल मिशन, पहले ना सारी चीजें ना क्लियर कर लिया करो, तब उसके बाद चीजें बोला करो। मेरा फाइनल मिशन आने वाला है बहुत ही खतरनाक, जैसे अगर एजेंट और आगे ना यहाँ पे ना ज्वालामुखी फटने वाला है, मेरे पास ऑर्डर्स है तुम्हें बचाने की, इसी वजह से मैं तेरे साथ रह रहा हूँ। क्या बोला तूने? एक ज्वालामुखी है, नीचे से फटेगा ना वो, तो जमीन के अंदर रहता है वो फटेगा तो उसमें क्या है कि मुझे तुम दोनों को बचाना है और यहाँ के लोगों को भी सेव करना है, ठीक है। तो बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, कब वो फटेगा तब मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि वो फटेगा तो तुम्हारी फटेगी, तो पहले ही तुमने मार दिया ना मेरे। यार तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे कौन है? बेबी उस सर दे रहे ना, उस सर भी पागल है, तुम भी पागल हो चुके हो, ठीक है। ये बेवकूफ वाली हरकतें मत करो, चुपचाप से बैठ जाओ यहाँ अच्छा, पे तुझे मैंने एक वो दिया था डव साबुन लाके, वो तो बाथरूम में है, उसके अंदर एक चिप लगी हुई है, सीक्रेट चिप है उस उससे नहाते है ना, तो उससे क्या पता है, उससे पता चल जाती है कि अंदर कितना मैल भर रखा है लोगों ने, उनके दिल में क्या है, उनके अंदर मैल कितना है, वो डब साबुन के अंदर चिप लगी हुई है, समझी? Oh no! समझ में नहीं आ रही यार, वो चिप गई कहाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रही, मुझे लग रहा है शायद वो उसमें पापा ने टट्टी बंद हो ली। अच्छा नहीं कर रहा, लेट जाओ। क्या था ये? तू ही तो लेट आ रही है मुझे यार। तो ये कौन सा तरीका है रोबोट की तरह करना है? ये भी रोबोट की तरह कर रहा है, रोबोट की तरह कर रहा है। भाई इज्जत कहाँ गई, देख लेने चली गई, मैं सीक्रेट एजेंट हूँ तो इसका मतलब है मेरे सीक्रेटली इज्जत तो करेगा कम से कम, सीक्रेटली तो कर रही है, पर हम उसे तो भगा के देगी, सीक्रेटली तो कर ही रही है ऑन द फ्लोर। तो मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो यार, प्लीज यार, क्या हो गया? मुझे उसको पकड़ना है, मुझे उसको पकड़ना है, मेरा साथ ना तेरे साथ यहीं तक था। सुन, मैं पहले सीक्रेट मिशन पे आने वाला था, उससे पहले सीक्रेट मिशन पे किशन को भेज रहे थे। कौन किशन? अभी किशन कौन है? मैंने उसको अपने रास्ते से हटाया, मुझे पता है कितना बुरा लग रहा था, मैंने एक काम करा पर मैंने तुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं आ रहा था ना बाइक से तो रास्ते में खड़ा हुआ था, मैंने भाई थोड़ा साइड हो जा, मैंने कहा मेरा दिमाग नहीं चला, मैं काम पे हूँ, मैं सीक्रेट मिशन पे हूँ यार, तू समझ क्यों नहीं लिया, तू मेरा साथ क्यों नहीं दे दिया, साथ इन चीजों में साथ दूँ क्या तुम्हारा? उग्रवादियों को पकड़ता हूँ मैं यार, मैं वो सामा अलादीन सबसे बड़ा वो था, तुम्हें नाम तो लेना नहीं आ रहा, वो सामा अलादीन अलादीन वो दूसरा वाला है, ये मेन बंदा तो ये था, वो तो नकली था। अच्छा, इस मेन बंदे को कोई दुनिया नहीं जानती? इसको मैं ही जानता हूँ, मुझे सीक्रेटली बताया हुआ है अलादीन, ठीक है। इसका चिराग पकड़ा है पहले मैंने, इसके बेटे का नाम था चिराग, वो पकड़ा है मैंने। पागल हो गए तुम तो सच में, तुम्हारे को दिमाग चल गया। चिराग ने ना मेरे को घूंसे मारे पीछे दो, फिर मैंने उसके मुंह पे टट्टी मार दी, क्योंकि उस टाइम मेरा पेट खराब था मोटी। बकवास मत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे बता दो। चल ठीक है, बैठ, ठीक है, मैं इस चीज को खत्म कर देता हूँ यहीं पे। सर आप प्लीज मेरी ना सेल्फ भेज दीजिए, ये सर्वर छोड़ो, ठीक है। हाँ एक सेकंड वेट यार, मेरे पास सर हेलो कौन है, कोई भी तो है नहीं, कार्ड देता है ना वो, किसी और से बात नहीं करता। दिमाग मत खराब करो, मेरा सी मत बनाओ, समझे ना, कोई भी नहीं है इधर देर से, ये तो इतने देर से झूठ कर रहे थे। झूठ नहीं कर रहा था मैं, मोटी समझ रही, ये सब चीजें झूठी तो कर रहे थे, तो ये झूठ नहीं है, ये जब किसी और के कान में, इसकी मेरे तो कान के अंदर भी एक चिप डली हुई है, जब मैं किसी और के कान में डालूंगा ना इसको तो वो बंद हो जाता ऑटोमेटिक, समझी? ये चिप है मेरे अंदर, ये देख, ये चल रही है। हाँ सर, नहीं कोई भौंक नहीं रहा था, तो भाई भौंक, अच्छा हाँ, नहीं नहीं पूछ रहे हैं ना कौन भौंक रहा था पीछे से। नहीं, 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 क्या
बड़े बहुत बड़े सर, साढ़े छह फुट हाइट है। कितने बड़े? साढ़े छह फुट। मेरे को बकवास, मैं किसी बकवास से सुनूंगी, कोई कितना भी बड़ा होगा समझे ना। उनको भी शर्म आएगी कि वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बुलवा दिया उसने। ठीक है ठीक, सब मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, आप उससे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, उससे सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूँ कि भौंकती है भौंकती। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तुम मेरी बात सुन, कहा तो बहुत दिलचस्प से बात। तुम पहले सच बताओ, तुम मेरा नाम है रोहित तनवर, ठीक है? मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और मेरी छाती 56 इंच की है, मेरी बाइसेप्स 16 इंच की है और मेरा दिल 50 इंच का, समझी? और मैं कर रहा हूँ तेरे पर प्रेम। ऑर्डर तो तू करेगी ना? नहीं तुम करोगे ऑर्डर, तुम लोगों में ले। तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तो पैसे दे दूँगा।